भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। आज लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र की मंडियाहू विधानसभा के विभिन्न ग्राम सभा में गौरी शंकर महादेव मंदिर, भवानीगंज बाजार, हथेरा, नयपुर, जयसिंहपुर, काजीहद जैसे तमाम गांव में जन चौपाल के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में रामपुर मंडल अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पटेल, मंडल उपाध्यक्ष मुन्ना पटेल, पवन जायसवाल, पूर्व प्रधान सुरेश कश्यप, सोनी सेठ, अच्छेलाल पटेल, प्रधान रवि पटेल, शेर अली सहित तमाम गांव की महिला सहित सम्मानित जनता मौजूद रही। इस समय मौजूद है मछली शहर लोकसभा के मणियाहो विधानसभा के गौरी शंकर महादेव मंदिर में। जैसा कि लगातार खबर SNS की टीम जब यहां पे पहुंची थी एक महीने पहले, तो यहां से भी जो रिपोर्ट कार्ड गया था वो यहां पे मछली शहर सांसद बीबी सरोज के कार्य की सराहना हुई थी। तो आज हम फिर उसी प्रांगण में मौजूद है, जैसा कि आज चौपाल के माध्यम से सांसद जी ने यहाँ के जनता को संबोधित किए। और देखा जाए तो आपने 3-3 हाईवे और तमाम रेल जो है सुंदरीकरण का कार्य कराया और तमाम ट्रेनों का ठहरा भी हुआ इस मछली शहर लोकसभा में। तो और कौन से बड़े कार्य रहेंगे जिसको आप आने वाले 5 साल में आप उसको पूरा करने का वादा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने दोबारा जो अवसर दिया है जनता की सेवा करने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 3 ANH जो हमारे लोकसभा में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो पास किया था, आकर के शिलान्यास किया उन्होंने, और 2 पर तो जोरों पे काम चालू हो गया। एक अभी रुका है, मछली शहर से मणियाहू, मणियाहू से जलालपुर, से थाना गद्दी से मुड़ैला। तो ये जो है NOC के लिए किसी कारणवश रुका हुआ है, उसको भी जो है जैसे ही ये हमारा 18वीं लोकसभा चालू होगा उस पर भी हम उनसे सहयोग मांगेंगे कि वो जल्द से जल्द उस पर भी काम चालू हो जाए। ऐसे कई जो है ओवर ब्रिज हैं, जैसे जलाल जफराबाद का, जलालगंज का जो टेंडर तो हो गया है लेकिन काम रुका हुआ है, तो उसको भी हम चालू करवाने का काम करेंगे। और कहीं जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो संबंधी जनता का जो है ये विषय अगर कोई उठाएगा, उस पर मांग करेगा, इस क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता है, तो उसको भी हम करवाने का काम करेंगे। और जो है ये आप लोग जान रहे हैं कि मोदी जी ने जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो 400 के पार जरूर जाएंगे। आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, सब लोग मिल करके एक राष्ट्र मजबूत, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, नए राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।